पहले तो आप सबको हमारी तरफ से दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत दिवाली सबके लिए अच्छी आए, बहुत समृद्ध हो, घर में सुख समृद्धि सब कुछ मिले, और हरियाणा और पूरे देश के लिए मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। सर, पिछले दिनों दिल्ली में बैठक हुई थी, केंद्रीय जो पावर मिनिस्टर हैं उन्होंने तमाम राज्यों के साथ बैठक की थी। सर, इस वक्त हरियाणा की क्या स्थिति है सर, बिजली व्यवस्था में कहाँ खड़ा है हरियाणा? हरियाणा की जो बिजली वितरण कंपनियां हैं वो किस देखिए, स्थिति में है? हाँ, सभी पूरे इंडिया के सब मिनिस्टर बुलाए गए थे, उसमें हमारा भी था। हर स्टेट को अपनी अपनी बात कहने के मौका मिला, हमने अपना पूरा पक्ष उनके सामने रखा। हरियाणा के मामले में उनका बहुत अच्छा ओपिनियन था और उन्हें हर जगह उन्होंने तारीफ की। आर के सिंह जी ने भी, उनके सेक्रेटरी ने भी, कि हरियाणा बहुत बढ़िया कर रहा है। हमारा लाइन लॉस मेन देखा जाता है, लाइन लॉस, उस लाइन लॉस में अब तक का जो सितंबर सितंबर जो आ रहा है, हमने ऑफिशियली तो मार्च टू मार्च तब डिक्लेयर करेंगे। अभी हमारा जो ATC है वो इस वक्त 9.25 आ रहा है, ये बहुत एक रिमार्केबल है। और मुझे लगता है कि मार्च टू मार्च जब हम देंगे तो हमारा 8.5 के आसपास आ जाएगा। 8.5% कम होना, 1 डिजिट में आना, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। शायद सबसे पहले हमसे अब तक पहले गुजरात आगे थे, अब हम शायद देश भर में सबसे आगे हो जाए। सर, कंपनियों की स्थिति क्या है, मतलब वित्तीय तौर पर देखें या फिर सप्लाई डिस्ट्रीब्यूशन जो दे रही कंपनियां कर रही है उनका क्या किस चीज़? हमारी चारों कंपनी की एक गुडविल अकाउंटेबिलिटी की बात बताता हूँ। DHVVN, UHVVN और आपका HVCL और HVPNL, चार कंपनीज हैं। चारों कंपनीज की गुडविल अकाउंटेबिलिटी पूरे देश में, हम गुजरात से भी आगे हैं, एक नंबर पे हैं। आज अगर हम सेंटर में जाके जैसे कोल इंडिया से या किसी भी एजेंसी से लोन मांगे तो हरियाणा को बिना पूछे 1 मिनट में कहते हैं कि हरियाणा का कैसे इमीजिएट करो। ये हमारी एक अकाउंटेबिलिटी बनी है, बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है। सर, पिछले दिनों मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी जो गाँव से बाहर गाड़ियाँ हैं उनमें लाइट की, या गाड़ियाँ डेरे जो है उनमें लाइट की व्यवस्था को लेकर, और साथ ही किसानों का सेल्फ डिक्लेरेशन पे जो लोड है वो ट्यूबवेल का मोटर का बढ़ाने की बात थी, तो ये क्या स्कीम है सर, किस तरीके से? देखिए, जहाँ तक ढाणी और डेरों की बात कह रहे हैं, अलग अलग हमारी तरफ ढाणी कह देते हैं, कुरुक्षेत्र, अम्बाला, यमुनानगर, यहाँ डेरे कहते हैं, वो भाषा की बात है। उन ढाणी और डेरों में ये कराया कि पहले तो 1 किलोमीटर तक हम बिजली देते थे लाल डोरे से, अब हमने ये कर दिया कि अब इसे 3 किलोमीटर तक कर दिया, 300 मीटर तक लाल डोरे से 300 मीटर तक तो गवर्नमेंट देती है। उसके बाद फिर पर मीटर एक एक नॉमिनल रेट कोई 150 रुपये पर मीटर हम उससे जो चार्जेज लेते हैं आगे लेके जाएगा, पर इससे ये हो गया कि अब 1 किलोमीटर तक 3 किलोमीटर तक लोगों को मिलेगा। दूसरा, जहाँ तक आप उसका कह रहे हैं ट्यूबवेल कनेक्शन की बात, अब तक हमने ये करा था कि जितने पहले लगे हुए हैं लोग दो दो मोटर लगा रखे थे, चोरी हो रही थी और बिल नहीं भरते थे, कर रहे थे, तो अब हमने ये कर दिया कि जहाँ पहले जिनके नीचे चल रहे हैं ज़्यादा बड़े बोर हैं वो लोड बढ़ाने की बात कर रहे थे कि हमारे लोड बढ़ा दिए जाएँ, तो उनका लोड बढ़ाना हमने मान दिया। पर उन्हीं का किराया जो ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, जो नए आएंगे उनके लिए माइक्रो इरीगेशन वाली कंडीशन रहेगी, वो 100 फीट से नीचे जो जाएगा उसको माइक्रो इरीगेशन पे जाना पड़ेगा, वो उसके साथ कंपलसरी होगा। सर, यमुनानगर में नए पावर प्लांट के लिए जो से अप्रूवल थी सर, वो उसके लिए टेंडर का प्रोसेस शुरू हो गया। उसमें एक BHEL कंपनी है जो गवर्नमेंट ओन्ड है, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, वो आगे आ रही है, अब प्रोसेस में है, अभी टेंडर हो जाएगा, सब जो कंडीशन है, क्योंकि बहुत बड़ा यूनिट है, इसे 3 साल लगेंगे बनने में और 800-850 करोड़ का प्रोजेक्ट है, इसके लिए प्रोसेस में चला, सारा पाइपलाइन में है। नहीं कर रहे हैं, हमारे पीछे सबको बुलाए थे, मीटिंग हुई थी, उसमें मैं भी था, हमारे ACS भी थे और उमा शंकर जी भी थे, हमारे पावर को जो देख रहे थे उस वक्त प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब, और दूसरे सारे अधिकारी थे, सब MDs थे, सारे हमारे चीफ इंजीनियर डायरेक्टर्स बुलाए थे, सारे स्मार्ट मीटर वाले जितनी कंपनी थे सबको बुलाया गया था, उन्होंने अपना सब दिया, हमने आगे फॉरवर्ड कर दिया। 10 लाख तो हमारे ऑलरेडी जो लगे हैं उनमें 9 लाख के करीब, 1,08,87,000 कुछ तो लग गए जो इंस्टॉल हो गए, बाकी अभी लग रहे हैं, अभी हम 20 लाख का ऑर्डर वर्क करने जा रहे हैं। पिछले दिनों एक त्यौहार पे हरियाणा के सिस्टम में बिजली को लेकर कार्रवाई भी हुई लोगों पे, कल क्योंकि एक प्रमुख त्यौहार है, कोई इंस्ट्रक्शन दी है कि कल के दिन बिजली ना रहे? देखिए, बिजली के जब दिवाली का दिन आते हैं उससे पहले हम 10 दिन पहले एक्सरसाइज शुरू कर देते हैं, कट लगाते हैं कह के 2 घंटे, ताकि हम पहले सब रिपेयर ठीक कर लें, ताकि हम बिजली के लिए पूरी तैयारी कर लें, उसमें कभी कोई ब्रेकडाउन नहीं आए।
तो ऐसे कहीं कहीं कट लगे थे, वो करके वो इस करके लगाए थे कि दिवाली के दिन अनब्रेकेबल सारा हमारा सिस्टम ऑन रहे, वो हमने कर लिया। दिवाली पे कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी, पहले भी नहीं आई, अब के बरसात इतनी होती थी कम है, वो ट्यूबवेल का इतना लोड नहीं बढ़ा, तो पावर कोई इशू नहीं है। हम पूरी तरीके से तैयार हैं, लोगों को जितनी मांगे के बिजली जितनी चाहिए देंगे। सर, जेल विभाग की बात करें सर, किस तरीके से आज वो हमारी दो जेलें नई सैंक्शन हो गई, एक तो फतेहाबाद की हो गई, उसे कई दिन हो गए, दूसरा वो काफ़ी आगे हमारा बढ़ गया मामला, जमीनों के सबके जमींदारों के पैसे ले दिए गए। एक दादरी का अभी हमने पिछले दिनों कराया, उसकी सबकी पेमेंटें हो गई, तकरीबन पेपर DC साहब के यहाँ तैयार हो गए। अब उसके बाद आगे फिर काम दिया जाना है, वो मेरे ख्याल में जो पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन इसको बनाता है उन्हें हम कॉल करेंगे। वो जो एक सिस्टम है फॉर DGP इनसे होम सेक्रेटरी से कुछ कई लोग इसमें इन्वॉल्व होते हैं, उसके बाद ये हम कर देंगे। तो एक हमारी दादरी बन जाएगी, एक फतेहाबाद बन जाएगी। हम अम्बाला में अभी लगे हुए हैं, अम्बाला में हमारा नए जेल के लिए लग रहे हैं, हमारे आदमी के एग्रीगेटर भी लगे हुए हैं, उसके लिए लैंड देख रहे हैं, जैसे हो जाएगी क्योंकि अब बहुत पुरानी होगी। अम्बाला कैंट की जेल जो है और सेंट्रल जेल है, और सेंटर के बीच में शहर के आगे, तो लोगों को भी जेल में आने जाने में लोगों को थोड़ा सा असुविधा होती है, उनको लाने ले जाने में, तो जेल का हम चाह रहे हैं बाहर ठीक जगह मिल जाए तो उसको हम वो करें। तो एक हमारी रोहतक जेल है, वो ऑलमोस्ट कम्प्लीशन पे है, हमारी बहुत जिसे कहें हाईली सिक्योरिटी जेल बनेगी, और उसमें जितने हार्ड क्रिमिनल उनको रखे जाएंगे, वो उसमें 3-tier सिक्योरिटी सिस्टम रहेगा, वो हमारी तैयार हो गई, एक 1.5 महीने में हो जाएगी। सर, जेलों में मोबाइल या फोन या इस तरीके की चीजों की जानकारी ज्यादातर रहती है, कौन सी जेल इसके लिए काफी चर्चा में रही है? देखिए, आपसे बताऊं, हमारे जेलों में और जेलों में फर्क है, किसी जेल का नाम नहीं होगा, हमारे आज तक कोई ऐसी घटना नहीं हुई कि जेल की दीवार फांद के कोई कैदी भाग गए हो, या नीचे से सुरंग निकाल के कोई बाहर निकल गए, या जब जेल से बाहर लेके जा रहे हैं तो इनकाउंटर करके कोई पुलिस से छुड़ा के ले गए हों, या तो करियाने में कोई घटना नहीं। अक्सर ये कई जगह मीडिया में टेलीविजन अखबार में आता है। हमारी जेलों में बहुत बेहतर व्यवस्था है, दोनों मतलब जितनी हमारी जेलें हैं इनमें अभी 20-25 हज़ार कैदी हैं रेगुलर, मैंने कोई जेल नहीं जिसको मैंने नहीं विजिट कर लिया। और अभी भी CM साहब भी हमारी एक वर्कशॉप में गए थे जो हमने पीछे रखी थी गुड़गांव में, CM साहब को भी लाए थे उस जेल में, उसमें DGP आपके तिहाड़ भी थे, उसमें हमारे होम सेक्रेटरी साहब थे, तीनों DGP थे, और उसमें काफ़ी सुधार करा है। अभी हमारा खाना, हमने एक पेट्रोल पंप शुरू कराया यहाँ आपका कुरुक्षेत्र में, जिसका हमें मोटा मोटा साल का 1 करोड़ रुपया प्रॉफिट आया है। अब उस प्रॉफिट में जब हमने देखा 11 जेलें बन रहे, तो CM साहब ने जब हम दादरी की एक्सटेंशन करने गए थे जेल की, मतलब उसी जेल को आगे बढ़ाया गया, पहले से ज़्यादा बड़ी और बना दी गई, तो वह अनाउंस करके गए कि ये हमारा जो 11 करोड़ रुपया होगा इससे जो आएगा वो सारा का सारा हम खाने के सुधार में लगा देंगे पर कैदी के। उसमें तो पहले खाली दाल मिलती थी, अब उसके साथ हमने एक सब्जी भी इंट्रोड्यूस कर दी, साथ दही भी दिया जा रहा है, तो जेलों में हमारे खाना बहुत बढ़िया है, बहुत पहले से बहुत सुधार हुआ है। डाइट में देखिए, पहले हम चपाती देते थे, पर कहीं अगर कोई और भी मांगे तो उसे नहीं, वैसे 4 चपाती दे रहे हैं, कोई 5 भी मांगे तो देते हैं, कोई दिक्कत, कोई 6 भी मांगे तो देते हैं खाने में। कभी फेस्टिवल पे भी कोई विशेष उनका व्यंजन बनता है क्योंकि दिवाली है या कोई इस तरह जो ओकेजन पे कुछ ऐसा? देखिए, दिवाली पे 26 जनवरी पे ये CM साहब की मर्जी पे होता है, किसी पे वो कहता है करके कर दें, तो कुछ तो किसी को हफ्ता दे देते हैं, कभी 10 दिन की, जनरल एक उन्हें सबको छुट्टी देने की बात करते हैं, ये CM साहब पे है कब क्या फैसला करेंगे। राजनीतिक सवाल है सर, 5 राज्यों में चुनाव प्रचार चल रहा है सर, किस तरीके से आप देखते हैं, और खास तौर पर राजस्थान में क्या चुनाव प्रचार में आप जा रहे हैं? अगर आप जा रहे हैं तो किसके समर्थन में प्रचार करेंगे सर, क्योंकि आप इंडिपेंडेंट MLA हैं सरकार? देखिए, इंडिपेंडेंट हूँ मैं, BJP के साथ हूँ, BJP के लिए प्रचार करूँगा, ये आप भी जान है, मैं भी ये कहूँगा। बाकी मेरा शायद हनुमानगढ़, गंगानगर और बीकानेर, नागौर, इस एरिया में 4 दिन का प्रोग्राम बन रहा है, 16, 17, 18 में, अगर 15, 16, 17, 18 4 दिन लगा रहा हूँ, उसके बाद तो फिर चुनाव आ जाएंगे नज़दीक, फिर एक कोई शादी है मैं उधर चला जाऊँगा रिलेशन में, तो 4 दिन तो पक्का है जी राजस्थान चुनाव में जाने का। मेरा अपना मानना है, देखो दूर का तो मुझे पता नहीं, तेलंगाना और वो तो दूर की स्टेटें हैं, अलग अलग उसके वर्जन हैं, पर राजस्थान मध्य प्रदेश में मुझे लग रहा है कि राजस्थान में तो कंजेस्ट है BJP, और मध्य प्रदेश में भी जो अभी इनपुट आ रहे हैं
पिछले दिनों से बहुत तेजी से बढ़ा है। उसमें अमित शाह जी भी गए हैं, पीएम साहब ने भी कंपेन करा है। अल्टीमेटली लोग स्टेबिलिटी को वोट देते हैं। मेरा ये मानना है राजस्थान मध्य प्रदेश में दोनों में बीजेपी आएगी। ओपिनियन पोल भी जो आया था वो भी यही बता रहा है कि मध्य प्रदेश में बहुत क्लोज नेक टू नेक फाइट दिखा रहे हैं, राजस्थान क्लियर बीजेपी का दिखा रहे हैं। मेन राजस्थान मध्य प्रदेश दोनों बड़ी स्टेट है नॉर्दर्न इंडिया में, इसका बड़ा एक मैसेज हो। पराली का मामला बहुत चर्चित रहा इन दिनों में, बहुत मीडिया में भी आता रहा। ये जो पॉल्यूशन का जो AQI लेवल था ये भी हम देखते हैं 500 तक चला गया था, कल से देख रहे हैं बरसात से बड़ा फायदा हुआ 91 हो गया। अब ये दिवाली पे कितना बढ़ेगा, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है पटाखे नहीं चलेंगे, तो देखो ठीक रहना चाहिए। इसमें ये है कि हम कोई ब्लेम नहीं कर रहे, हरियाणा में हमने बहुत कंट्रोल करा है। एक अभी पीछे CM साहब ने बनाया था, फिर हमने एक ग्रुप बुलाया, ऑक्शन करा, उसमें 4 पार्टीज आई। एक पार्टी को जिसको काम मिला है उसने 4 ग्रुप्स में अलग अलग एरिया बांट दिया हमने। उन्होंने किसान को 2500 रुपया पर एकड़, उसको हम पैसा देंगे उसके, फिर इकट्ठा करके वो उसी एरिया में, ताकि एक दूसरे एरिया में ना जाए, क्रॉस ना करे, और वो वहाँ से पैलेट्स बना बना के थर्मल को देंगे, ताकि हमारा कोयला उसमें नहीं लगे और कोयले की जगह पैलेट्स हो। इससे एक तो पोल्यूशन कम होगा, धुआं कम बढ़ेगा, और दूसरा हमारे जो फार्मर जलाने की बात से लोग हट गए, उन्हें 2500 रुपया एकड़ मिला तो उन्हें ये प्रॉफिटेबल हो गया। तो ये करके लोग ही इस बात पे काफ़ी तैयार हो गए। हमारा एक मोटा मोटा अंदाजा है, क्योंकि अभी सीजन चल ही रहा है, कि पिछली बार अगर ये 60% जला रहा था तो अब ये 30% पे आ गया, मतलब पहले से बहुत सुधार हुआ है। अब पंजाब में कितना जलाया जा रहा है वो देख रहे हैं, मैं नहीं कह रहा, मीडिया कह रहा है, सब पॉल्यूशन तो पंजाब की तरफ से ज़्यादा है।